जय भीम जय मीम, मैं हूं सुमित चौहान और आप देख रहे हैं द शूद्र। जय भीम के साथ जय मीम के नारे को दलित मुस्लिम एकता के तौर पर पेश किया जाता है। ऐसा कहा जाता है कि मनुवादी ताकतों को हराने के लिए अगर दलित और मुस्लिम एक साथ आ जाएं तो फिर दिल्ली दूर नहीं है। लेकिन मंगलवार रात को बेंगलुरु में भड़के हिंसा के बाद से जय भीम और जय मीम के नारे को दलितों और मुसलमानों में नफरत बढ़ाने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। बेंगलुरु हिंसा की बहुजन नजरिए से पूरी पड़ताल करेंगे, लेकिन उससे पहले आप खबर समझ लीजिए। मंगलवार रात बेंगलुरु के डीजे हल्ली इलाके में दंगाइयों ने जमकर उत्पात मचाया। कई गाड़ियों में आग लगा दी, पुलिस पर भी पथराव किया गया। जवाबी कार्रवाई में जब पुलिस ने गोली चलाई तो 3 लोग मारे गए, वहीं 60 पुलिस वालों समेत दर्जनों लोग घायल हुए हैं। 100 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। दरअसल इस आग को एक फेसबुक पोस्ट ने भड़काया। कहा जा रहा है कि नवीन नाम के युवक ने अपनी फेसबुक वॉल पर प्रोफेट मोहम्मद के बारे में कुछ आपत्तिजनक टिप्पणी की। ये नवीन कर्नाटक के कांग्रेस विधायक अखंड श्रीनिवास मूर्ति के भतीजे हैं। इस पोस्ट के बाद मुस्लिम समुदाय के लोगों ने विधायक के उस घर को घेर लिया जहां नवीन छुपा हुआ था। फिर जो हुआ तस्वीरें देखकर आप समझ सकते हैं। ये तस्वीरें दंगाइयों के कहर की कहानी खुद बयां करती हैं। दरअसल कांग्रेस विधायक अखंड श्रीनिवास मूर्ति जाति से दलित हैं। चूंकि दंगाई मुस्लिम समुदाय से थे, इसलिए बीजेपी ने इसे एक दलित विधायक पर मुस्लिमों के हमले के तौर पर पेश किया। बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा ने ट्विटर पर लिखा, कहां है ये मीम भीम भाई भाई वाले, उनमें से एक ने भी बाहर निकलकर ट्वीट किया है। संबित पात्रा ने जिस टीवी डिबेट का वीडियो शेयर किया है, उसी डिबेट में उन्होंने कांग्रेस प्रवक्ता राजीव त्यागी पर तीखे वार किए थे। कुछ देर बाद राजीव त्यागी को दिल का दौरा पड़ने से उनकी मौत हो गई। बीजेपी नेता कुछ इसी तरह सोशल मीडिया पर दलित मुस्लिम एकता पर निशाना साध रहे हैं। बीजेपी आईटी सेल के मुखिया अमित मालवीय ने ट्विटर पर लिखा, भारत की टेक कैपिटल बेंगलुरु मजहबी नारों के बीच झुलस उठी। पुलिस स्टेशन, मीडिया और कांग्रेस के दलित विधायक का घर जला दिया गया। कांग्रेस ने वोट बैंक के लिए अपने विधायक को ही त्याग दिया। वहीं बीजेपी के ऑर्गेनाइजेशनल नेशनल सेक्रेटरी बीएल संतोष ने भी कुछ इसी तरह का ट्वीट किया। उन्होंने लिखा, कम से कम ये स्वीकार कीजिए कि आपके दलित एमएलए के घर पर आगजनी हुई है, पुलिस स्टेशन पर हमला हुआ, इतना तुष्टीकरण क्यों? क्या डर लग रहा है जब आपके अपने एमएलए पर हमला हुआ? कुल मिलाकर बीजेपी की ओर से ये कहने की कोशिश हो रही है कि हमला करने वाले मुस्लिम थे और उन्होंने एक दलित विधायक पर हमला किया, यानी मुसलमान दलितों के भी दुश्मन हैं। इस पूरे मामले को दलित बनाम मुस्लिम की लड़ाई के तौर पर सामने रखा जा रहा है। पिछले कुछ दशकों में दलितों और मुसलमानों के बीच राजनीतिक और सामाजिक तौर पर काफी मेलजोल बढ़ा है, चाहे नागरिकता आंदोलन की बात हो या फिर मॉब लिंचिंग के खिलाफ लामबंद होने की। दलितों और मुसलमानों ने डॉक्टर अंबेडकर को साझे प्रतीक के तौर पर स्वीकारा और आंदोलन किया। जय भीम और जय मीम का नारा नागरिक आंदोलनों की नई पहचान बन गया है। लेकिन सियासत की हांडी में नफरत की खिचड़ी पकाने वाले नेता इस एकता को चूल्हे में डाल देना चाहते हैं। दलित और मुसलमान दोनों ही ब्राह्मणवाद के शिकार हैं। ऐसे में एक शोषित अगर दूसरे शोषित के साथ मिल जाए तो शोषण करने वाले को हराया जा सकता है। इसीलिए ये एकता कुछ लोगों की आंख में खटक रही है। मुस्लिमों को दंगाई बताने वाले नेता इन तस्वीरों को नजरअंदाज कर रहे हैं। इस वीडियो में आप साफ साफ देख सकते हैं कि कैसे मुस्लिम समुदाय के लोगों ने ही मानव श्रृंखला बनाकर एक मंदिर को नुकसान पहुंचने से बचाया। लेकिन इस पूरी लड़ाई को दलित बनाम मुस्लिम बताकर सियासी गुणा भाग किया जा रहा है। अभी रिक्वेस्ट है कि इंडिपेंडेंट इंक्वायरी हो और ऑन लार्जर स्केल हम ये देश की जनता से अपील करते हैं कि हम पहले ही एक कोरोना जैसे महामारी से गुजर रहे हैं। इस वबा की सिचुएशन में, इस जो पैंडेमिक सिचुएशन में, हम हिंदू मुस्लिम या इस तरह के जो है दलित मुस्लिम, इस तरह के जो है बंटवारे के राजनीति को जो हम शरण ना हो जाएं, हम सौहार्द बनाए रखें, हम यूनिटी बना के रखें। 15 अगस्त भी आ रहा है, इंडिपेंडेंस डे भी आ रहा है, तो हमारे हिंदुस्तान के वैल्यूज़ क्या है, परंपरा क्या है, सौहार्द क्या है, उसको बाकी रखे करके ये वीडियो के जरिए मैसेज भी देते हैं। अब एक सवाल उन लोगों से भी जो सिर्फ एक फेसबुक पोस्ट से इतने आहत हो गए कि हिंसा पर उतारू हो गए।
क्या आपका दिमाग इतना सिमट चुका है कि सही और गलत का फैसला करना भूल गए हैं? क्या आपकी धार्मिक भावनाएं इतनी कमजोर हैं कि किसी भी बात से आहत हो जाती हैं? अगर किसी ने आपके धर्म या फिर धार्मिक प्रतीकों पर कोई टिप्पणी की भी है तो कानून का सहारा लीजिए। यूं खुद हिंसा भड़काने की क्या जरूरत है? इस हिंसा को किसी भी तरह से जायज नहीं ठहराया जा सकता। दोषियों को सख्त सजा मिलनी चाहिए। जब आप मनुवादियों को असहिष्णु कहते हैं तो आपको खुद भी सहिष्णु बनना ही होगा। याद रखिए, इंसानियत हर धर्म से बड़ी होती है। सबसे पहले हम देखते हैं कि सबसे पहले इसमें हमें दोषी जो नवीन नजर आते हैं, जो पैगंबर मोहम्मद के बारे में जो है एक डेरोगेटरी कमेंट जो है फेसबुक पे डालते हैं, जो बहुत ही गलत जो है। हम जानते हैं कि पैगंबर मोहम्मद जो है पूरे विश्व में भी और भारत में भी बहुत ही एक जो है ऐसे व्यक्ति हैं जो सभी लोगों के दिल में जगह रखते हैं, और ये चीज़ जो बहुत ही खंडनीय वाक्य है। दूसरी तरफ हम जब देखते हैं कि इसके रेस्पॉन्स में जब लोग सड़क पे उतरते हैं तो वो जो है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या जो पैगंबर मोहम्मद है उन्हीं के वाक्य के उन्हीं के टीचिंग्स को उन्हीं के मौलियों के विपरीत काम करते हैं। वो पैगंबर जो जिनके ऊपर कचरा फेंका गया तो वो उनको जिनको फूल देते थे, वैसे पैगंबर के बारे में कुछ कहा गया तो लोग जो है अगर पत्थर लेके और जो है आग लगाते हैं, तो ये जो है हकीके मानी में पैगंबर के जो है अनुयायी तो नहीं हो सकते। खैर, आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे अपने परिवार और दोस्तों के साथ शेयर करें, हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब करें और साथ ही हमारा Facebook पेज भी जरूर लाइक करें। हमें Twitter और Instagram पर भी जरूर फॉलो करें। अगर आप अम्बेडकरवादी पत्रकारिता को आगे बढ़ाना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए अकाउंट नंबर में हमारी मदद कर सकते हैं। मैं हूँ सुमित चौहान और कैमरे के पीछे है मेरी सहयोगी अजरा परवीन। जय भीम, जय मीम। साथियों, अम्बेडकरवादी पत्रकारिता करने वाले नेशनल बहुजन मीडिया को स्थापित करने में द शूद्रा की आर्थिक मदद करें। आप सीधे हमारे अकाउंट नंबर में मदद भेज सकते हैं। बेनिफिशियरी नेम है द शूद्रा, अकाउंट नंबर है 2233009468935। IFSC कोड है RATN0VAAPIS। ध्यान दीजिए, IFSC कोड में RATN के बाद 0 है, ओ नहीं। बैंक का नाम है RBL और ब्रांच है मुंबई। आप हमें 8595794224@ Paytm पर UPI के जरिए भी अमाउंट ट्रांसफर कर सकते हैं। Paytm, गूगल पे और फोन पे के लिए हमारा एक ही नंबर है 8595794224। जय भीम, जय भारत।